दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो पोर्टल से किस प्रकार से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मनी ट्रांसफ़र में जो आपको दिया जाता है यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र B8, यस बैंक, DMT न्यू और मनी ट्रांसफ़र B2 ये क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए एवं लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको आगे बढ़ें, आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग बिहार और झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और रॉयनेट एक्सप्रेसो का ID लेना चाहते हैं तो बिहार और झारखंड के लिए बिल्कुल अभी धमाका ऑफर चल रहा है, जो कि आपको मात्र ₹10 में ID मिल जाएगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रहा है, वहाँ से जा करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप ID ले सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ मनी ट्रांसफ़र पे आ जाना है। मनी ट्रांसफ़र पे आइएगा तो यहाँ पे जो बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है उस बैंक का यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मनी ट्रांसफ़र B8 पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कितना चार्ज करता है वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जो भेजने वाला है उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डायल कर देना है। डायल करने के बाद यहाँ पर सर्च सेंडर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सर्च सेंडर में इससे पहले भी इस नंबर से हम भेज चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नाम और नंबर और यहाँ पर लिमिट मेरा दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, चूज बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से देख सकते हैं मेरा बैंक एक लिंक है यहाँ पे। अगर हम इस बैंक को हटा करके दूसरा बैंक ऐड करना चाहते हैं जिस नया अकाउंट में आपको भेजना है, तो यहाँ से देख सकते हैं ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट नंबर डाल देना है। उनके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट IFC कोड आएगा, तो उसको अगर आपका कस्टमर का IFC कोड पता है तो फिल कर देना है, अगर पता नहीं है तो आपको अल्टरनेट ही IFC कोड रहने देना है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशरी का नाम लिख देना है। अगर आप बेनिफिशरी वेरीफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बेनिफिशरी अकाउंट वेरीफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको सही से ही पता है कि ये पर्सन सही है तो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उनके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपको मैसेज भी आ जाएगा फिनो के तरफ से, ये जो मनी ट्रांसफ़र होता है उसके तरफ से। तो यहाँ पे फिनो के ही पोर्टल से ही ऐसा होता है और आप रॉयनेट में भी यहाँ पे होता है क्या कि अगर जैसे CMS में फिनो ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे भी आपको आ जाएगा मैसेज। और इस प्रकार से यहाँ पे आपको सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमाउंट आएगा कि आपको कितना भेजना है, निफ्ट करना है या IMPS करना है। तो सबका चार्ज अलग अलग होता है, तो दोनों का हम बता देते हैं आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ₹150 हम आपको भेज के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बोलेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही प्रोसेसिंग लेता है, प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस शो करेगा जो आपके सामने इस प्रकार से आता है। यहाँ पे देख सकते हैं CSP नाम, ट्रांजेक्शन मोड यहाँ पे आपको शो कर रहा है, उनके बाद अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे जो आपको ट्रांजैक्शन फी लिया गया वो ₹10 चार्ज काटा गया है। अब ₹10 चार्ज काटा गया है तो इसमें आपको ₹5 का कमीशन आ जाता है और ₹5 आपका कट जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप यहां से कर सकते हैं, इसे आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर